ये नहीं, वो वाला, वो मैम, हाँ नाइस। ये हुई ना बात मैम, आपने अपने क्लास के हिसाब से बिल्कुल सही चीज चूज की। इस पूरे मेकअप किट की प्राइस क्या है? कैसा गया फुटबॉल मैच? अच्छा गया, हम लोग की टीम जीत गई। हाँ वेरी गुड। कपिल क्या कहते हो? बाद में बात करते हैं अनीता। अभी क्यों नहीं? क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं हरीश, मेरी और मम्मी की पर्सनल बात है, तुम खाना खाओ। रोज रोज थोड़ी ना मुझे कोई चीज पसंद आती है, और पसंद आ गई है तो। अनीता ये डिस्कशन बाद में करें। 20,000 का मेकअप किट? अनीता कोई तो कारण होगा इसे खरीदने का। कपिल मुझे पसंद है, इतना काफी नहीं क्या आपके लिए? यार तुम्हें तो हर चीज ही पसंद आती है, पर कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? कपिल आप मुझे किसी भी चीज पे स्पेंड नहीं करने देते हो। यार आप इतना कमाते हो, उसका फायदा क्या है? हाँ मैं मानता हूँ कमाई अच्छी है, पर आसान नहीं है, बहुत घिसना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक एक ऑर्डर के पीछे जान जाती है। पैसे में अच्छी जिंदगी के लिए कमा रहा हूँ जो हम जी रहे हैं, यूं पानी में बहाने के लिए नहीं। आपको वाकई में लगता है कि हम अच्छी जिंदगी जी रहे? मेरी फ्रेंड्स के पति ना आपसे आधा कमाते हैं, उसके बावजूद तीन तीन चार चार क्रेडिट कार्ड लेकर घूमती हैं, अपनी मर्जी की मालकिन है। और मैं, मुझे हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपके सामने भीख मांगना पड़ता है। बहुत दुख होता है मुझे जब तुम ये तुम्हारा पैसा मेरा पैसा कहती हो, और पति पत्नी के बीच पैसों के डिस्कशन को भीख मांगना नहीं कहते। कोई नहीं, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं सो रहा हूं। तुम्हारे टिफिन में क्या है? वही सेम बेटा, सेम रोटी अलग सब्जी, कल लौकी की थी आज आलू की। ओके मम्मा, बाय मम्मा। ताई, ताई 2 मिनट जरा बात करेगी। कितना एडवांस चाहिए मंजू? वो 2,000। सिर्फ 2,000? 20,000 दे देती हूँ ना। क्या है, तुम्हारे कपिल सेठ ने ना नया कार्ड दिलवाया मुझे, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ताई मेरे आदमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और दवाई तो आपको पता है दाम बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो काजल को भी फुल टाइम काम पे लगा देती, पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं तेरे पति की अच्छी सेहत के लिए ना भगवान से दुआ कर सकती, लेकिन एडवांस नहीं दे सकती। अरे पैसे नहीं है मेरे पास, दे सकती हूँ ना तो नसीहत जो तेरे सेठ दिन में 2 बार देते हैं मुझे कि खर्च कम करना है तो ज़रूरतें कम कर। कहाँ जा रही हो? विंडो शॉपिंग करने, और कहाँ, मॉल में लोगों को कीमती चीजें खरीदते देखूंगी, अच्छी जिंदगी जीते देखूंगी, चलकर खाक हो जाऊंगी। तो जा ही क्यों रही हो, घर पर रहो ना, सुखी रहोगे। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आने वाले लोगों से भी यही क्यों नहीं कहते? क्या आपकी दुकान में आते क्यों है? ना आए सुखी रहेंगे, आपकी शॉप में आकर टीवी म्यूजिक सिस्टम जैसी चीजें क्यों खरीदते? ना खरीदो। गिरधर नगर मैडम, शेयरिंग ऑटो में 15 रुपए होंगे।
मयूर अनीता मैडम गिरधर नगर आ गए ये लीजिए मैं यहीं पास में रहता हूं तुम भी यहीं कहीं पास में रहती हो अनीता यस क्या करती हो मैं हाउसवाइफ हूं मॉल गई थी शॉपिंग करने हाँ ऐसा ही कुछ ब्यूटीफुल क्या तुम ब्यूटीफुल हो ओके और तुम ढीठ आई थिंक हर दूसरी लड़की को यही कहते होंगे कि वो खूबसूरत है ब्यूटीफुल है हाँ कहता हूँ गुड एटलीस्ट ऑनेस्टली एक्सेप्ट तो किया तुम क्या करते हो अपनी सिंपल पॉलिसी है कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा पैसा ग्रेट इंसान को और चाहिए क्या इतने पैसे हो कि हाथ खोलकर खर्च कर सके कभी हाथ बंधे ना हो और कभी किसी के सामने फैलाने ना पड़े और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे हाथ तंग है तुम खुद ही क्यों नहीं कुछ काम कर लेती पैसे कमाने के लिए इतने सालों बाद जॉब मार्केट में उतरना हो भी बिना किसी एक्सपीरियंस डिग्री के नाम पे सिर्फ बीए वो भी सालों पहले की हुई डिफिकल्ट नहीं ऐसा नहीं है अगर काम करने की इच्छा हो तो काम मिल सकता है वो भी ढंग का अच्छा तुम मुझे जॉब दिलाओगे क्लाइंट दिलाऊंगा मैं दलाल हूँ दलाल लड़कियों का तुम जैसी खूबसूरत औरतों का अरे देखो इसमें बहुत पैसा है बहुत बहुत पैसा तुम ब्यूटीफुल हो यार सेक्सी हो अपने आप को वेस्ट मत करो मैं ऐसी औरत नहीं हूँ ओके दो घंटे का 10,000 क्लाइंट मैं ले आऊंगा और जगह भी मैं ही डिसाइड करूंगा तुम नहीं हो तो तुम्हें 2 घंटे का 15,000 भी मिल सकता है मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी और जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है 5,000 मेरे होंगे देखो होटल का बिल भी मैं संभाल लूंगा सॉरी दोपहर का टाइम तुम्हारे लिए सही रहेगा पति ऑफिस में होगा तुम फ्री एक दिन मॉल आने के बजाय होटल आ जाओ एक दिन होटल दूसरे दिन मॉल जितने पैसे चाहिए उतने उड़ा लेना वो भी कैश मैंने कहा ना सॉरी अनीता देखो जवानी बस एक मौका है अगर उसका फायदा नहीं उठाया तो फिर क्या किया तुम्हें 2 घंटे के 20,000 भी मिल सकते हैं तुम्हें वो एक्स फैक्टर है मुझे कुछ नहीं सुना नंबर है मेरा कार्ड पे जरूरत पड़े तो कॉल करना देखो इसमें बहुत पैसा है बहुत बहुत पैसा 2 घंटे का 10,000 पापा मेरे स्कूल में 5 दिन का ट्रिप है सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं मुझे भी जाना है जाओ मैं काम मना कर रहा हूँ बस एक बार मम्मी तुम्हारी टीचर से बात कर ले मम्मी आपको श्रद्धा मिस से बात करेंगी ना मम्मा मम्मा श्रद्धा मिस से बात करेंगी ना किस बारे में बेटा कहाँ खोई हुई हो हम हरीश के स्कूल के पंचगनी के ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं हाँ। पढ़ा था मैंने सर्कुलर करती हूँ बेटा कल करूंगी बात कुछ नहीं मंजू ताई हाँ मंजू ताई वो एडवांस का कुछ करो ना ये गलत है मंजू मैं बोल चुकी हूँ कि एडवांस नहीं दे सकती तुमको कुछ और इंतजाम करना चाहिए था ना
लास्ट मिनट तक मेरे ही भरोसे बैठी रहोगी। आई मैं घर जाऊं क्या? बर्तन हो गए। हाँ काजल तू घर जा, खाना गर्म करके बाबा को खिला देना है। बाबा की दवाई तो सुबह को ही खत्म हो गई थी, तो अभी खाने के बाद वाली अपन किधर से देंगे? आई देगी, शाम तक दे देगी। मैं करती है कोई इंतजाम, तू जा। देखो इसमें बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा। तुम ब्यूटीफुल हो यार, सेक्सी हो, अपने आप को वेस्ट मत करो। दो दिन की मानसिक कश्मकश के बाद अनीता ने आखिरकार मयूर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सोच लिया। उसने अपने आप को मना लिया कि वो सही करने जा रही है और ये एक मौका होगा उस सवाल का जवाब देने का जो आए दिन उसे छोटा महसूस कराता था। मेकअप किट की प्राइस क्या है? लेकिन अनीता का यह कदम उसे एक अलग रास्ते पर ले जाने वाला था। ये रास्ता बेईमानी की दुनिया की तरफ जाता था, जहां लालच हर मौके पर चील की तरह लपकने वाला था और शिकार होने वाली थी गरिमा और इंसानियत भी। ट्रिपल 4567898 नंबर तो यही है, फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। हाय। कौन? काफी मिस कॉल से तुम्हारे, मयूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आज ही मुंबई वापस आया हूँ। ये मेरा मुंबई का नंबर है। तुम्हारे काफी मिस्ड कॉल्स देखे। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ काम करोगी। वो मैं, मेरा मतलब है कि, अच्छा देखो ऐसी बातें फोन पर नहीं होती, कल मिलते हैं। कहा? वहीं जहाँ तकदीर ने हमें सबसे पहली बार मिलाया था, उस ऑटो स्टैंड के पीछे कॉफी शॉप है। हाँ देखा है पर अंदर नहीं गई कभी। कल मिलते हैं 2:30 बजे। क्या बात है, बड़ी सोच में डूबी हो? हाय। तुम वाकई में ही बहुत ब्यूटीफुल हो। 10 से स्टार्ट करना 9 इंसाफी होगी। 20 से शुरू करें? मयूर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं सब कर पाऊंगी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पहली बार है इसलिए तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना एक बार तुम ये काम कर लोगी तो फिर सारी नर्वसनेस निकल जाएगी। नहीं मयूर, आई मीन मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है। मेरे लिए सब, मेरी ज़्यादातर लेडीज तुम्हारी तरह हैं, शादीशुदा, अच्छे घर की, डिसेंट, कुछ तो तुमसे भी बड़ी हैं। हाँ शुरू शुरू में सबको नर्वसनेस हुई थी लेकिन आज तक किसी ने लाइन नहीं छोड़ी। धीरे धीरे तो काम में मज़ा आने लग जाता है, मतलब पैसे ही इतने और सारे ही क्लाइंट्स बहुत ही डिसेंट मर्द होंगे। और हाँ रूम भी 3 स्टार से कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। वो सब ठीक है मयूर, मैं जानती हूँ
मेरी जरूरतें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ये सब ना करना पड़े। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, जिससे तुम्हारा फर्स्ट टाइम काफी आसान हो जाएगा। क्या? पहली बार मेरे साथ कर लो, देखो तुम कंफर्टेबल भी रहोगी, ये गारंटी है मेरी। नहीं नहीं मयूर, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ठीक है, रहने तो कैंसिल करते हैं। हाँ रमेश भाई। अरे मयूर हाजी, कितनी बार लागशे, कुछ अरेंजमेंट हुआ क्या? अरे रमेश भाई आप चिंता मत करो, आप ही का काम कर रहा हूँ, कल रात को तो बताया आपने, ऊपर से आपकी रिक्वायरमेंट भी खास है, थोड़ा टाइम लगेगा। ना ना इतना टाइम नहीं, जल्दी है भाई। देखो भाई मैंने पूरा भरोसा किया तुम पे। अरे टेंशन मत लो सर जी, मेरी गारंटी है आप खुश हो जाओगे। लेकिन वो रिक्वायरमेंट याद छे ने हैं भाई, बहुत जरूरी है वो। रमेश भाई हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सारा को पर, एक दो दिन का टाइम दो, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रखूं क्या? आई मीन थोड़े पैसे कम हो तब भी चलेगा, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ये सब ना करना पड़े। एक रिक्वायरमेंट है मेरी, अगर तुम उसे पूरा कर दोगे तो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और खुद कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? मुझे एक वर्जिन लड़की चाहिए, बिल्कुल कुंवारी। ये सब क्या कह रहा है? अरे क्लाइंट उम्र वाला है, उसकी बीवी गुजर चुकी है, उसे अपने घर रखने के लिए एक फ्रेश लड़की चाहिए, एकदम कुंवारी। लड़की ढंग की है तो शादी वादी भी कर लेगा। मैं ऐसी लड़की कहाँ से लाऊंगी? अरे यार अनीता, पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और देखो अपना हिसाब एकदम क्लियर कट है, मुझे इस लड़की के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर तुम ये लड़की लाके देती हो तो 4 लाख रुपए तुम्हारे, एक लड़की लाके देने के लिए 4 लाख रुपए कम नहीं होते, सोच लो। और गौर से सोचो, कोई भी ऐसी गरीब या ज़रूरतमंद लड़की हो जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, देख लो ऐश करेगी लड़की, दर्जन लड़कों के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आदमी होगा जो शायद उसे शादी भी कर ले, ऐश करेगी, फिर वो खुश, क्लाइंट खुश, तुम खुश, मैं खुश और सब खुश। दर्जन लड़कों के साथ सोने की जरूरत नहीं है, बस एक आदमी होगा जो शायद उसे शादी भी कर ले, फिर वो खुश, क्लाइंट खुश, तुम खुश, मैं खुश और सब खुश। मुझे इस लड़की के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, अगर तुम ये लड़की लाके देती हो तो 4 लाख रुपए तुम्हारे, एक लड़की लाके देने के लिए 4 लाख रुपए कम नहीं होते। 4 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम दोनों के बीच में डील हो गई तो तुम मेरी पार्टनर हो जाओगी, फिर आने वाली नई डील्स के साथ साथ मैं तुम्हारा शेयर भी बढ़ाता रहूंगा। तुम्हें वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट दूंगा और तुम्हें मुझे लड़कियां सप्लाई करनी है, तुम्हें किसी के साथ सोना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारे पैसे भी बनते जाएंगे। अब ज्यादा सोचो मत और हाँ बोल दो। कीमती जरूरतों के लालच ने एक ऐसे फैसले को अंजाम दिया जो अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ले पाएगी। ये फैसला उस माहौल में और मजबूत हो गया जहां अनीता का पति उसकी कीमती जरूरतों को पूरा करने से इनकार करता रहता। पहला कदम ले लिया गया था और दूसरे कदम के लिए पैर आगे बढ़ चुका था। अनीता बड़ी गंभीरता से ये सोचने लगी कि वो बड़ी रकम कैसे हासिल कर पाएगी जो मयूर ने देने का वादा किया था। काजल इसे भी फेंक दो, उसके बाद इसे भी मांझ देना। बहुत आई खराब हो गया है।
आई, मैं घर जा रही है। हाँ तू जा, कहाँ जा? बाबा के पास रह जा। मंजू जी, ताई दवाई के लिए पैसे जुड़ गए या चाहिए अभी भी? चाहिए ताई, बिल्कुल चाहिए। 2 हफ्ते हो गए उनको दवाई नहीं दे पाई मैं। डॉक्टर बोलते हैं अस्पताल लेके जाओ, उसके लिए भी तो रोकना चाहिए ना ताई। मैं अपनी तरफ से जान लगा रही है। देख मंजू, मैं तुझे एडवांस तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ पैसा बनाने का एक मौका है। मौका? बैठ। एक आदमी है, शादी करना चाहता, शादी का खर्च भी वो खुद उठाएगा। 2 लाख मिलेंगे मुझे, 1 लाख तेरे समझ। 1 लाख? 1 लाख मैंने तो आज तक एक साथ 1 लाख रुपए देखे ही नहीं। लेकिन ये शादी की क्या बात है ताई? तेरे पति को कैंसर है ना? हाँ ताई। बड़ी जानलेवा बीमारी है, जितना कमाएगी ना मंजू सब उसके इलाज में खर्च हो जाएगा। ये बीमारी जान लेकर छोड़ेगी। ये ले चुकी है, हम सबकी जान ले चुकी है। काजल का कुछ सोचा? मतलब मंजू मैं काजल की शादी की बात कर रही। काजल की शादी? ताई वो अभी 15 साल की है सिर्फ। परफेक्ट। देख जिसको शादी करनी है उसे 15-16 साल की ही लड़की चाहिए, कुंवारी। लेकिन ताई, अरे काजल का सोच, उसके भविष्य का सोच। एक तो तेरे सर से उसकी शादी का खर्चा हट गया, ऊपर से तेरे हाथ में 1 लाख रुपए रहेंगे, और वो इतने बड़े घर में जा रही है। एक बार ये गुजर गया ना, 58 साल का है। 58 साल का आदमी? ताई मेरी 15 साल की बच्ची बुढ़े आदमी के साथ कैसे शादी करेगी? बेवकूफ, उम्र पे मत जा, अपनी बेटी की जिंदगी का सोच। मंजू तू कितना भी हाथ पैर मार ले, कितनी भी मेहनत कर ले, ले जाके अपनी बिरादरी के किसी मजदूर चौकीदार से उसकी शादी करेगी ना, हाँ जवान होगा, उसके बाद क्या, सब खत्म। उसकी तो हिम्मत होगी नहीं सपने देखने की, तो तेरी बेटी के सपने कहाँ से पूरे करेगा? एक तरफ ये आदमी है, माला माल आदमी, जब तक जिंदा रहेगा तेरी बेटी को रानी बनाकर रखेगा, और मरने के बाद भी करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाएगा। पागल मत बन, सोच। काजल का सोच, उसके भविष्य का सोच। एक तो तेरे सर से उसकी शादी का खर्चा हट गया, ऊपर से तेरे हाथ में 1 लाख रुपए रहेंगे, और वो इतने बड़े घर में जा रही है। दवाई लाई तू? नहीं जी, कहीं से भी एडवांस का जुगाड़ नहीं लगा पाई मैं। कैसे भी करके हमको ना रोकड़ा का जुगाड़ लगाना होगा। तेरे बाबा को 3 हफ्ता हो गया दवाई नहीं दे पाई मैं। आई इतनी महंगी दवाई खरीदने का तो एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? मैं खुद के लिए ना कोई फुल टाइम नौकरी देखती है। उससे कुछ नहीं होगा रे, जिंदगी बीत जाएगी बर्तन मांजते मांजते, फिर भी कुछ नहीं होगा। आई तो फिर क्या करने का है? एक तरीका है जिससे कि तू बहुत सारा रोकड़ा कमा सकती है। कैसा तरीका आई? बोलना, क्या काम है, किसके घर काम करने का है? क्या काम है हमारी काजल के लिए? बताती है, आप खाना तो खा लो। काजल?
किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है ना तेरा? क्या क्या कुछ भी बोल रही है आई? मैं पूरे दिन घर में रहती है बाबा की देखभाल करने वास्ते, नहीं तो तेरे साथ होती है बर्तन पोछा करती हुई। काय का चक्कर वक्कर आई? और बाबा बीमार पड़ने से पहले? सच सच बता मेरे को। हा? नहीं गाई, तू ये सब क्या बोल रही है? मैं तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की है। जिसको शादी करनी है ना, उसे 15-16 साल की ही लड़की चाहिए, कुंवारी। तेरी शादी करवाएगी मैं, अपने घर जाएगी, खुद का घोंसला बनाएगी, राज करेगी। नहीं आई, मैं कोई शादी वादी नहीं करेगी। चुप कर, खरा बोलता नहीं आई। आई मैं ना, मैं काम करना चाहती है, खूब सारा पैसा कमाना चाहती है मैं, जिससे कि बाबा का अच्छा इलाज हो सके और आई तेरे को आराम मिले। और इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? आसमान से गिरेगा? आई अगर पापा बीमार ना पड़ते, मेरा स्कूल ना छूटता ना, तो मैं भी खूब पढ़ लिख कर कोई दफ्तर वाली नौकरी करती। मगर कोई बात नहीं, घर का या कोई भी दूसरा काम करके ना, मैं घर के लिए खूब सारा पैसा कमाएगी, तू देखना ही। कितनी छोटी सी है मेरी बेटी, सिर्फ 15 साल की, और देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। मैं 15 साल की है मगर बच्ची नहीं है मैं, मेरे को भी मालूम है कि इस दुनिया में ना सबसे बड़ा रुपया है, और आई मैं ना वो कमाते रहना चाहती है, इसलिए आई आगे से ना तुम मुझसे शादी वादी की बात मत करना। सिर्फ 15 साल की है और उसे एक 58 साल के बुड्ढे के गले बांधने की सोच रही है मैं, और मेरी बेटी कितना सोचती है मेरे और उसके बाबा के बारे में। लेकिन 1,00,000 रुपया, कितनी तकलीफें दूर हो जाएगी हमारी, कितना ज्यादा पैसा होता है 1,00,000। काजल मैं निकलती। हाय। अम्मी मैं निकल रही है, संभल के जाना। हाँ काजल से कुछ बात हुई? नहीं हुई और होगी भी नहीं। ताई काजल सिर्फ 15 साल की बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी है, एक बुड्ढे के हाथों उसे मैं नहीं बेच सकेगी। मगर उसको जिंदगी भर घर में बिठा के रखेगी, उसकी किस्मत में होगी तो अच्छा सा लड़का मिल जाएगा। अरे किस्मत मौका दे रही है तुझे, साथ में 1,00,000 रुपए भी मिल रहे हैं तुझे, इस नर्क से बाहर निकलेगी। मैं जानती है ताई। जानती है तो मनाना काजल को, लेकिन उससे पहले खुद को। मैं खुद को नहीं मना सकती ताई। छोड़ फिर, अपनी पेट की बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं। लेकिन एक और लड़की है। कौन? राबिया, मेरी पड़ोसन है, फातिमा उसकी बेटी। काजल की उम्र की है। वो क्यों मानेगी? हमारी तरह गरीब है, घर में अकेली माँ है, एक छोटा भाई है। स्कूल वगैरह जाती है क्या? वो तो काजल से कई साल पहले ही छोड़ चुकी है स्कूल, सिलाई का काम करती है। मेरे घर से लग के उसका घर है, सीधी साधी लड़की है, उसकी माँ भी सीधी औरत है। चलो अम्मी मैं निकलता हूँ। अरे रुक रुक रुक। हाँ देख, आज स्कूल से आते वक्त अपनी राबिया अप्पा से चाबी लेके आना, मुझे आने में लेट हो। हाँ ठीक है। अच्छा सुन,
ये ले 20 रुपए, स्कूल से आते वक्त किराने की दुकान से राकेल लेके आना। लड़की सीधी सादी होगी लेकिन कुंवारी है, इस बात की क्या गारंटी? और फिर शादी के लिए तैयार होगी, इस बात की क्या गारंटी? मेरे को नहीं मालूम ताई, बस इतना मालूम है कि शादी की बात करेगी ना मैं तो फटाक से मना कर देगी। क्यों? मेरी काजल जैसी है, आई का हाथ बटाती है, सारी कमाई जो है फातिमा के हाथ में रख देती है, छोटे भाई को स्कूल भेजती है, घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही है वो लड़की। उसका बाप कुछ नहीं देता? 5 साल पहले बिल्डिंग का काम करते करते गिरकर मर गया, तब से बाप की कमी पूरी कर रही। फिर इस बात का क्या फायदा है मंजू? हाँ, क्यों उसका नाम ले रही है तुम? जब राजी नहीं होगी तो हमारे किस काम के? आपको लड़की से मतलब है ना, काजल हो राबिया हो। सुबह दिख गई रास्ते में तो मैंने सोचा आपको बता देती है, अब आप समझो क्या करना है क्या नहीं करना है। अनीता, तुम एक काम कर सकती हो। क्या? देखो, तुम्हारी भाई मंजू तो बात करने से रही, तुम कहीं से मुझे राबिया का नंबर निकलवा के दो। वो तो तुम्हें जानती तक नहीं। हाँ, लेकिन वो गरीबी को खूब जानती है और मैं गरीबों की जरूरतों को खूब जानता हूँ। उसे कैसे पटाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब राबिया को निशाना बनाया गया। इस बच्ची द्वारा अब अनीता अपने पैसों की प्यास बुझाना चाहती थी और इस शिकार में अब मंजू भी कूद पड़ी क्योंकि उसकी प्यास भी उतनी ही थी। अनीता, मंजू और मयूर के लिए राबिया एक मौका थी वो पाने का जो उन्हें चाहिए था। नंबर तो मैं ला देगी लेकिन एक झोल है ताई। कैसा झोल? वो आदमी जिसको राबिया का नंबर मिलेगा वो तो उसी से बात करेगा ना, सौदा होगा राबिया के साथ, पैसे मिलेगा राबिया की माँ को। मेरे को तो आप दोनों साइड ही कर दोगे ना? तुझे बकायदा कमीशन मिलेगा, पूरा 1 लाख। देख मंजू, अगर काजल होती तो पूरे 1 लाख मिलते, ऊपर से तेरी काजल लाखों में करोड़ों में खेलती। हाँ, कोई और लड़की है तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। कम मतलब? कितना कम? 50,000 समझ ले। ये तो एकदम आधा हो गया। ठीक है भाई, 75, बस अब खुश। कल तक नंबर ला देगी मैं आपको। ए राबिया, कैसी है रे? मैं अच्छी हूँ काकी, आप ठीक है? हाँ, चल रहा है। हमारी घर की हालत तो छुपी नहीं है ना तुझसे? काकी, सबके घर की हालत वही है। वैसे काजल 2-3 बार बोली मेरे को कि उसे भी मेरी तरह काम करना है फुल टाइम। मेरी मदद करना चाहती है। वैसे तेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? अब्बास की पढ़ाई स्कूल में हो पा रही है, बाकी दाल रोटी पे गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे को ना एक और कोई काम पकड़ना पड़ेगा, महंगाई तो आजकल। हाँ सही है, मेरे काजल के पास ना मोबाइल नहीं है, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए। तेरा नंबर रख लेती है मैं, हैं? बता तो अपना नंबर। काकी, मैं मोबाइल नहीं रखती, क्या है ना घर से काम, काम से घर, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती और फिजूल खर्चा भी नहीं होता है फिर। अच्छा, वैसे अम्मी का नंबर है तो क्या? हाँ वही दे दे, कभी काम आ जाए तो। उसकी अम्मी को डायरेक्ट मिल ले। नहीं मयूर, बात बिगड़ सकती है। मंजू बता रही थी कि माँ बेटी दोनों बहुत ज़्यादा सीधे हैं। तुम कभी राबिया से मिली हो? देखा तक नहीं। तो अपनी भाई मंजू की मत सुनो, एक बार राबिया से मिल लो, क्या पता वो सिर्फ दिखने में सीधी सादी हो और असल में नहीं। तो पता कैसे चलेगा? एक बार मिल लो उसे। मैं क्यों मिलूं उससे? कमाल कर रही हो, जिस लड़की को बेच के हम लोग लाखों रुपए कमा रहे, एक बार उससे मिलोगे नहीं? मुझे उसके बारे में और जानकारी चाहिए। अब क्या मैं उसके पीछे पीछे घूमूं, जासूसी करूं उसकी? मुझे बस उसकी एक फोटो चाहिए। जिनके वहाँ काम करती है ना वो, उसका नाम है नियाजुद्दीन दर्जी, हिमवान चौल में 4th गली। मास्टर जी, एक नए पैटर्न का डिजाइन चाहिए कुछ, ये कपड़ा। कुछ इस तरह का? हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से बन जाएगा ये तो। ऐसे कट तो हमने बहुत बनाए। राबिया बेटा देखना, बन जाएगा ना? अच्छी है।
हेल्दी भी है, हम लोग इससे डायरेक्टली नहीं भिड़ सकते? वो बिल्कुल नहीं मानेगी साहब। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? अरे उसके लिए रिश्ते आते रहते हैं साहब, वो मना कर देती है। उसके खाला का बेटा रहता है, दुबई में रहता है, अच्छा खासा कमाता है और दिखने में भी अच्छा है, फिर भी उसने मना कर दिया। उसका ये कहना है कि उसका छोटा भाई अब्बास वो पढ़ लिख कर कमाने लायक नहीं हो जाएगा, घर संभालने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक वो शादी नहीं करेगी। आप क्या करेंगे भाई? लड़की बड़ी सीधी शादी है, मोबाइल नहीं है, बाप नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ ये तो सही है। तो अगर ये लड़की गायब हो जाए तो? गायब हो गई मतलब? मतलब ये कि अगर ये लड़की गायब होगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी माँ बेटे को संभालती फिरेगी या बेटी को ढूंढती फिरेगी? ऐसा ना होगा साहब, उसकी माँ तो जमीन आसमान एक कर देगी, कमाने वाली एक ही लड़की है उस घर में। तो करने दो जमीन आसमान एक। आज के जमाने में जिस लड़की के पास मोबाइल नहीं होता ना, उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अनिता ताई, बात मेरे तक आ पहुंची तो मेरे को तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। हाँ मयूर, देखो अगर बात मंजू तक आई तो मुझ तक भी आएगी। आई थिंक वी शुड ड्रॉप दिस प्लान। नहीं, मेरे को ये लड़की पसंद आई है और यही लड़की चाहिए। मगर मयूर, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। जल रही है। अरे रमेश भाई, अरे टेंशन मत लो, आपका ही सेटिंग कर रहा हूं, दो चार दिन दो आपका दिल खुश हो जाएगा। अरे भाई रोज रोज एक ही बात की रट लगा रखी है, फिक्स हो गई फिक्स हो गई। अरे कौन सी फिक्स हो गई? एक बार बोला ना फिक्स मतलब फिक्स, टेंशन मत लो, कल ही लेके निकल रहा हूँ उसको। देख भाई मैं तारी बात तभी मानूंगा जब तू यहाँ होगा मेरे सामने रन के शोर में, वो भी छोकरी के साथ। अरे रमेश भाई भरोसा रखो, एक बार लड़की को देखोगे ना तो डबल बोनस दोगे। क्या चलो रखता हूँ। मम्मा मेरा टिफिन रेडी हुआ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे। आई बेटा हो गया, ये लो। बाय बाय बेटा। सब ठीक है? हाँ ताई, मैं बस अभी घर से निकल रही है, उसके निकलने का इंतजार करेगी। मेरी मयूर से बात हो गई है, वो तेरा वेट कर रहा है। अम्मी मैं जा रही हूँ, संभल के जाना। हाँ राबिया, काम पे जा रही है? हाँ काकी। आजकल तेरे और मेरे काम पे जाने का टाइम एक सा हो गया है ना? हाँ काकी लगता तो ऐसे ही है। चल आज तेरे को मैं टैक्सी में लेके जाऊँ। आप रोज टैक्सी में जाते हैं काम पे? अरे नहीं रे पगली, वो मेरा भाई रुका हुआ है पास में, वो हिमवन चौल के पास जा रहा था तो मेरे को बोला छोड़ के जाएगा, तुझे भी लिफ्ट मिल जाएगा। चल। अरे काकी इतनी तकलीफ काकू में चले जाएगी ना अकेले। अरे तो मैं कौन सा रोज रोज टैक्सी में जाती है, रोज तो तेरी तरह चल के जाती है ना, आज मौका मिला है तो चलते हैं ना दोनों। वापस चल चुपचाप, वो देख आजा। ये मेरा भाई अशोक है, ये राबिया मेरी पड़ोसन, इसको ना हिमवन चौल छोड़कर जाना है अपन को। आजा बैठ जा, बैठ आ। मंजू ताई, ये काजल के लिए कपड़े लाए। अच्छा देख तू राबिया कैसा है कपड़ा। अच्छा है काकी, आप बोलो तो मैं काजल के लिए मस्त कुर्ती बना के देती है। तू बनाएगी तब तो छान बनेगा। पता है इसके हाथ में ना जादू है।
मैं निकलती हूँ मोर। हाँ चल निकल फटाफट। चल इमरान मेरे को गोड़ बंदर छोड़ दे। चल मयूर राबिया हो गया। मयूर राबिया को लेके चला गया। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत नहीं हुई, जैसा प्लान बनाया था वैसा ही। ताई ताई मेरे पैसे? पैसे अभी कहाँ मंजू? मयूर राबिया को उस आदमी को बेचेगा, वो उसे पैसे देगा, वो वहां से लौट कर आएगा, उसके बाद हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। रिलैक्स, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं भागने वाले। इतनी बड़ी टेंशन थी कम हो गई। एक शातिर किडनैपिंग प्लान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस प्लान का मकसद था 16 वर्षीय राबिया को रमेश दामोर नाम के एक बूढ़े आदमी को बेच देना और ढेर सारा पैसा कमाना। मुजरिमों ने कोई सुराग नहीं छोड़े थे। मेहनती और मासूम राबिया दो औरतों के लालच और एक ट्रैफिकर के शातिर इरादों का शिकार बनी थी। अब राबिया के साथ क्या होगा? उसकी लाचार माँ और छोटा भाई क्या करेंगे जब रोज की तरह राबिया शाम को घर नहीं लौटेगी? कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.